मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज करनाल और नीलखेड़ी में करोड़ों रुपए की लागत की कई योजनाएं परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री ने सबसे पहले करनाल के गांव शामगढ़ में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बना है। वहीं मुख्यमंत्री खट्टर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसानों के साथ ये प्रदेश की आर्थिक प्रगति में लाभदायक होगा। साथ ही उन्होंने पुरानी पुलिस लाइन में बनने जा रहे पंचायती राज विभाग द्वारा जिला विकास भवन का शिलान्यास भी किया। हरियाणा का ये सौभाग्य है कि हमको एक हरियाणा का जो बागवानी विश्वविद्यालय खोलने के लिए इस त्रावड़ी क्षेत्र में अंजनथली में जो जमीन मिली 118 एकड़, यहाँ विश्वविद्यालय के आज नीम का पत्थर हमारे राधा मोहन सिंह जी केंद्रीय कृषि मंत्री रख रहे हैं, और इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ के किसानों को, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को, सब लोगों को इसका लाभ होगा और निश्चित रूप से हरियाणा की हमारी आर्थिक प्रगति में एक मील का पत्थर होगा। अभी तो ये शुरू किया है और इसका एक डिजाइन बना है, इसकी लागत क्यों कहाँ हमारे अधिकारी 50 करोड़ रुपया पहला शुरुआती जो सेंक्शन हुआ, नहीं बता अभी तो शुरुआती ही 50 करोड़ रुपया इसका सेंक्शन किया है, ताकि प्रारंभ होगा तो इसमें फिर आगे। करनाल से जार टीवी न्यूज के लिए विजय कम्बोज की रिपोर्ट।